नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काम के बात में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमित, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के इलाज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में COVID-19 या कोरोना वायरस के उपचार के लिए पहली बार किसी दवाई को ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा निर्माण करने की स्वीकृति मिल गई है, और इस दवाई का नाम है फेविपिरावीन। तो दोस्तों, आप सभी के मन में इस दवाई को लेके कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि ये दवाई किस तरह काम करती है, इसका मूल्य क्या है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। तो इन सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो और चलिए शुरू करते हैं। ग्लेनमार्क नाम की एक फार्मा कंपनी ने 20 जून को ये जानकारी दी थी कि उसे भारत में इस दवाई के निर्माण के लिए CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विस से स्वीकृति मिल गई है। देश में कोरोना के मामूली और औसत लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए फेविपिरावीर दवा को मंजूरी मिल चुकी है। दवाई कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने शनिवार को ये भी बताया कि जिन मरीजों को डायबिटीज यानी मधुमेह और दिल की बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह से इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। ये दवा फेवी फ्लू नामक ब्रांड के तहत लॉन्च की गई है और इसकी कीमत ₹103 प्रति टैबलेट है। ग्लेनमार्क कंपनी ने साथ में ये जानकारी भी दी है कि 200 mg की 34 टैबलेट का एक पैकेट होगा और उसकी कीमत होगी ₹3500। लेकिन कंपनी ने दवा के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी बताया है। डॉक्टर की सलाह के बाद पहले दिन इसकी 1800 mg की दो खुराक लेनी होगी और उसके बाद 14 दिन तक 800 mg की दो खुराकें लेनी होगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ग्रासियस सल्धाना ने उम्मीद जताई है कि फेविफ्लू काफ़ी प्रभावी है और कोरोना वायरस जैसी बीमारी में ये काफ़ी मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि क्लिनिकल टेस्ट में फेविफ्लू ने कोरोना वायरस के मामूली संक्रमण वाले मरीजों पर काफ़ी अच्छे नतीजे दिखाए हैं। दोस्तों, काम की बात चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इस दवाई को सबसे पहले जापान में बनाया गया था। जापान ने इस दवाई का निर्माण 2014 में ही कर दिया था और वहाँ पर इसका नाम एविफावीर या एविगन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस दवाई से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.kamkibaat.in पर जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जापान में ही इस दवाई के लिए 2000 से अधिक लोगों पर शोध किया गया था और इन लोगों में से 88% लोगों में सुधार देखा गया था, और वो भी सिर्फ 4 दिनों में। तो दोस्तों, इस बात से आप इस दवाई की कारगर क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। जापान के साथ साथ रूस और चीन में भी इस दवाई पर शोध कार्य हुआ है और वहाँ भी परिणाम सकारात्मक आए हैं। अब बात करते हैं कि ये दवाई काम कैसे करती है। तो दोस्तों, ये दवाई RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, और ये वाला जो RNA है वो कोरोना वायरस को प्रजनन करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि ये दवाई कोरोना वायरस की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, इस दवाई के साइड इफेक्ट है। ये दवाई एक टेट्रोजन का काम करती है। टेट्रोजन का मतलब है कि एक ऐसी दवाई जो माँ से बच्चे के शरीर में जा सकती है। अगर कोई गर्भवती महिला इस दवाई का सेवन करती है तो ये दवाई उस महिला में मौजूद भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि भ्रूण वो अवस्था होती है जब शिशु में कोशिका का विकास बड़ी तेजी से होता है और ये दवाई उस विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, इस दवाई का ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, साथ में इस दवाई का एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि ये दवाई टैबलेट यानी कि गोलियों के रूप में मौजूद है, जिसे आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपने घर पर भी ले सकते हैं। वहीं इसी वायरस की रोकथाम के लिए मौजूद दूसरी दवाइयों को लेने के लिए चिकित्सीय सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बाकी ज़्यादातर दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में लेनी पड़ती है। इस दवाई की इस खूबी के कारण कई लोग इसे गेम चेंजर भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये दवाई
एक गेम चेंजर साबित होगी या नहीं। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें।